आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने जीतने के बाद एएमयू में जिन्ना की फोटो के विवाद को फिर से हवा दी थी। वहीं काफी समय से मुसलमानों को संघ से जोड़ने का काम कर रहे मुस्लिम संघ विचारक आमिर रशीद ने इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रवादी मुसलमानों ने भाजपा और मोदी को वोट दिया है, लिहाजा जिन्ना की वजह से मुसलमानों को टारगेट करने से सांसद सतीश गौतम को बचना चाहिए। देखिए, सांसद जी का इस तरह के आयदन बयानबाजी, ये रवैया ठीक नहीं है। अभी हाल ही में सांसद बने हैं देश अलीगढ़ के, मुसलमानों ने भी उनको खुल के वोट किया, ये वो बात वो खुद भी जानते हैं। पर एक जो उन्होंने लाइन बना रखी है अपनी राजनीति करने की, एएमयू को कोस के अपनी राजनीति चमकाने की, वो उससे मजबूर है आदत से। और रही बात जिन्ना की तस्वीर की, तो अब समय आ गया कि एएमयू छात्र संघ इस विवाद को खुद ही ख़त्म कर दे, ताकि आगे लोगों को इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने को ना मिले। और रही बात जिन्ना की, तो जिन्ना देश के मुसलमानों की कोई आस्था का प्रतीक नहीं है। देश का मुसलमान भी उतनी नफरत करता है जिन्ना से जितना कि देश का हिंदू करता है। और जिन्ना की कुछ खूबियाँ भी थी जो देश के हिंदू भाई मानते हैं, जैसे उन्होंने भगत सिंह का केस निःशुल्क लड़ा। तो अगर इस बातों से देखा जाए तो जिन्ना को जितना मान रहे हैं भाजपा वाले, जितना दुश्मनी बना रहे हैं, उसी हिसाब से तो गांधी जी भी लाखों बेगुनाहों के हत्यारे थे। उन्होंने अखंड भारत को खंड खंड कर दिया। तो गांधी जी से तो प्रेम करते हैं भाजपा वाले और जिन्ना से नफरत करते हैं। ये डुअल स्टैंडर्ड भी समझ में नहीं आता। ये सिर्फ भाजपा जो दुश्मनी दिखाती है जिन्ना को, वो सिर्फ एक मुस्लिम थे जिन्ना, इस वजह से दर्शाती है उनको अपनी दुश्मनी, नहीं तो वो भी देशभक्त थे। और रही बात आज का जो एक सीन बना हुआ है कि छात्र संघ से तस्वीर हटनी चाहिए, तो मैं भी इस फेवर में हूँ कि जिस विवाद से आए दिन हमारे इदारे पे बात आ रही है, तो तस्वीर हटा दें छात्र संघ, उनको क्या आपत्ति है, हटा के खुद ही भेज दें। इस मामले का निस्तारण छात्र संघ खुद ही कर दें। अलीगढ़ में कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग पिता की सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। बेटे की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी पैसे के लिए आए दिन पिता के साथ मारपीट करता है। पीड़ित के बड़े बेटे ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बलरामपुर के लौबुड़वा खरजार नाले के पास एक अज्ञात पुरुष का अजला शव बरामद हुआ, जिसकी धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई है। शिनाख्त मिटाने के लिए शव को जलाया गया था। वहीं अब शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन का विवाद था, जिसके चलते हत्या की गई थी। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में जिला पंचायत सदस्य विजय यादव और पप्पू यादव की अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद जिले की सियासत गर्मा गई है। गाजीपुर के नवनिर्वाचित सांसद अफजाल अंसारी ने मृतक विजय यादव का शव सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिला और पुलिस प्रशासन की तरफ से उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद अफजाल अंसारी ने अपना धरना समाप्त किया। आगरा की फतेहाबाद पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारा। पुलिस की इस कार्रवाई का लाइव वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने जुआरियों की पिटाई तक कर दी। जुए के फर से 1,08,400 रुपए बरामद हुए। मौके से 9 जुआरियों को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि दूसरी मंजिल पर बंद कमरे में जुआ चल रहा था। जौनपुर में हौसला बुलंद चोरों ने पुलिस अधीक्षक को खुली चुनौती दी है। पुलिस लाइन परिसर में स्थित डीएम सुरक्षाकर्मी के घर में घुसकर चोरों ने लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और खोजी कुत्तों की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। इटावा के बकेवर थाने क्षेत्र स्थित इगहरा गांव के एक प्राथमिक स्कूल में प्रेमी और प्रेमिका संदिग्ध परिस्थितियों में मिले, जिसमें प्रेमिका की मौत हो चुकी है जबकि प्रेमी गंभीर रूप से घायल है। लड़की के भाई ने बताया कि युवक एक दिन पहले बहन को ले गया था, जिसके बाद से वापस नहीं आया। अब पता चला कि बहन की हत्या हो चुकी थी और प्रेमी भी घायल अवस्था में मिला। फिलहाल पुलिस प्रेमी के होश में आने का इंतजार कर रही है। बांदा में किशोरी के साथ एक दबंग ने तमंचे की नोक पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बड़ी बात यह है कि जब पीड़िता अपने परिजनों के साथ शिकायत लेकर थाने पहुंची, तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने पीड़ित पक्ष को ही हड़काकर थाने से भगा दिया, जिसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ अब न्याय के लिए आला अधिकारियों के चक्कर काट रही है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।